मैं सर्वांशी नेगी राज के आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगणा की आठवीं कक्षा की छात्रा आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जिससे आज इस 21वीं शताब्दी में शायद ही कोई ना डरता हो। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ कोरोना वायरस की, जिसका नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 रखा गया था, जहाँ सीओ का अर्थ है कोरोना, वीआई का अर्थ है वायरस, डी का अर्थ है डिजीज, 19 का अर्थ है साल 2019, यानी कि जिस वर्ष बीमारी पैदा हुई थी। इस वायरस को सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया, जो आज पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल चुका है। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके प्रभाव को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन एक प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मनुष्य के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, परंतु फिर भी यह एक प्रभावी वायरस है और पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल चुका है। हम अगर बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, तो सबसे पहले 1930 में मुर्गी में देखा गया, जिसने उस मुर्गी के श्वसन तंत्र को भी प्रभावित किया था। आगे चलकर 1940 में इसे अन्य जानवरों में भी देखा गया। 1960 में इसे पहली बार किसी व्यक्ति में देखा गया, जिसे सर्दी की शिकायत। बाद में 2019 में इसका विकराल रूप चीन के वुहान प्रांत में देखने को मिला, और आज यह बीमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की, तो इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं, जिसके पश्चात सूखी खांसी होती है, गले में खराश होती है और एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसकी सक्रियता की बात यदि हम करते हैं, तो यह वायरस 0 से 19 वर्ष के व्यक्तियों में 0.2%, 20 से 29 वर्ष के व्यक्तियों में 0.09%, 30 से 39 वर्ष के व्यक्तियों में 0.18%, 60 से 70 वर्ष के व्यक्तियों में 5% और 80 से अधिक वर्ष के व्यक्तियों में 18% आंका गया है। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह एक जानलेवा बीमारी है, इससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी दवाई नहीं बन पाई है, परंतु इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन का निर्माण कर दिया गया है। अब हम बात करें तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कुछ चीजें करनी होगी, जैसे कि अपने हाथों को अच्छे से धोएं, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाएं और भीड़ वाले जगह ना कर रखें। हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोए। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना में संक्रमित प्रति 1000 व्यक्तियों में से बुजुर्गों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। इसके निष्कर्ष में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, सतर्क रहे, स्वस्थ रहे और कोरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। इससे पहले भी कई महामारियां आई हैं और हम सभी ने उनका मिलकर सामना किया है और उन पर विजय हासिल की है। इस कोरोना महामारी पर भी हम सभी मिलकर इस पर विजय हासिल करेंगे और इशारा करेंगे। यही एकमात्र तरीका है कोरोना वायरस से बचने का। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, घबरा मत, तू रख जरा हौसला, इस संकट की घड़ी में कठिन है।
साथ में ले जाएगी साथ में। हम है नमन, उन्हीं के सहयोग से हम जीत रहे हैं ये जंग, उन्हीं के सहयोग से हम जीत रहे हैं ये जंग।